राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में छात्रों को मेन गेट से आने में हो रही परेशानी को लेकर एनएसयूआई ने प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपकर पिछला गेट खोलने की मांग की है। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल को जल्द समस्या के समाधान करने की मांग की। कोविड महामारी के चलते हमीरपुर कॉलेज में आने व जाने के लिए केवल एक गेट से प्रवेश की अनुमति छात्रों को दी गई है, ताकि सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन किया जा सके, मगर कॉलेज गेट के सामने चल रहे फुटपाथ के कार्य के चलते छात्रों को परेशानी भी हो रही है। इसी को लेकर एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपकर कॉलेज प्रशासन को समस्या से अवगत करवाया और पिछले गेट से भी प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग की। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने कहा कि कॉलेज में छात्रों की कोविड चेकिंग के लिए केवल एक ही गेट से आने की अनुमति दी है, जिसका एनएसयूआई स्वागत करती है, मगर गेट के साथ चल रहे काम के चलते छात्रों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई ने कॉलेज प्रशासन से फुटपाथ के कार्य के चलते पिछले गेट को छात्रों के लिए खोलने की मांग की है। जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज हमीरपुर ने जो है वो माननीय प्राचार्य महोदया जी को जो है वो एक ज्ञापन सौंपा है। हमीरपुर कैंपस के अंदर गेट नंबर एक से ही एंट्री रखी गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ गेट नंबर 1 और 2 पर जो है वो फुटपाथ बन चुके हैं, जिस कारण वहां पर जो पार्किंग की सुविधा थी स्टूडेंट्स के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जो पार्किंग की सुविधा बनाई गई है उसकी एंट्री जो है वो बैक गेट से है, जिसको प्रशासन कॉलेज प्रशासन द्वारा बंद रखा गया है। और आज हमारे सामने ही बहुत सारे बच्चों के चालान जो थे वो पुलिस द्वारा किए गए थे। देखिए, कोरोना एपिडेमिक के चलते जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो उनको जो है दोपहिया वाहन या गाड़ियों में भेजना प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की सुविधा ना होने के कारण उनके चालान जो है, भारी भरकम चालान जो है वो पुलिस द्वारा करवाए जा रहे हैं। हमने अभी प्रिंसिपल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और उन्होंने हमें इस पार्क बैक गेट को खोलने की जो है वो हमारे सामने जो है उसको खुलवाए, तो हम उसका निर्णय का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय एनएसयूआई।